त्रिपुरा के कुछ इलाकों में बीते दिनों माहौल सांप्रदायिक तनावपूर्ण हो गया था। दावा किया जा रहा था कि मस्जिदों में तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। इसका विरोध आज झारखंड में भी देखने को मिला। राष्ट्रीय जनता दल अखिलेश कमेटी के ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब का पुतला दहन करते हुए त्रिपुरा में राष्ट्रपति शासन लगाने का मांग करने लगे। राष्ट्रीय जनता दल अखिलेश कमेटी के अध्यक्ष इम्तियाज हुसैन वारसी का कहना है कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने जो शपथ लिया है उसमें वो पूरे नहीं उतर पाए हैं। त्रिपुरा में मुसलमानों के दुकान लूटे जा रहे हैं और मस्जिद जलाए गए हैं। संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, इसलिए वे इस्तीफा दें और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। इस दौरान सारे लोग नारा लगाते रहे। सुनिए क्या कहा वारसी ने। त्रिपुरा क्यों जलाया आप लोग? त्रिपुरा के सरकार ने मुसलमानों के साथ जो संविधान में है सुरक्षा देने का, उसने पूरा नहीं किया। मुसलमानों के मस्जिद को जलाने का काम किया, मुसलमानों के दुकानों को लूटने का काम किया और लोगों को मारने का काम किया है। जिसने वो शपथ लिया, आपको ओथ लिया मुख्यमंत्री में कि हम सभी का सुरक्षा देंगे, भीम राव के अम्बेडकर के संविधान को मानेंगे हम, उन्होंने उसमें विफल रहे। इसलिए हम मांग करते हैं कि उन वहाँ राष्ट्रपति शासन लगे और उनको बर्खास्त किया जाए। नाम आपका? इम्तियाज हुसैन वारसी, प्रदेश अध्यक्ष, अखिलेश कमेटी, राष्ट्रीय जनता दल झारखंड।